सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बसरस। आज मैं फिर से आप सभी का एक स्वागत करता हूं अपने चैनल बसरस में। और आज मैं कनॉट प्लेस, दिल्ली कनॉट प्लेस में आया हूं, जो कि आपको पता है व्यवसाय का एक हब है और दिल्ली का एक सेंटर है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है कनॉट प्लेस। और आज मैं हनुमान टेम्पल आया हूँ कनॉट प्लेस, जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल टेम्पल है। सो आइए चलते हैं फिर अंदर। सो यहाँ से हमारा टेम्पल स्टार्ट होता है, हनुमान जी टेम्पल, जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल, मुगलों के टाइम का ये बना हुआ एक हिस्टोरिकल टेम्पल है। मैं आपको छोटी छोटी एक हिस्ट्री भी बनाता चलता हूँ। जैसे कि वर्तमान हनुमान मंदिर का स्वरूप सन 1724 में श्रद्धालुओं के सम्मुख आया, जब तत्कालीन जयपुर रियासत के महाराज जय सिंह ने फिर से जीर्णोद्वार करवाया। उसके पूर्व कनॉट प्लेस स्थित भगवान हनुमान का ये दिव्य मंदिर आक्रमण और अत्याय अत्याचारों के तमाम इन झंझावनों से भी जूझता रहा था। मुगलों शासकों के टाइप पे कई आक्रमण हुए इस मंदिर पे। मंदिर के महंत, जिनकी पिछली 33 पीढ़ियां यहाँ बाल रूप हनुमान जी की सेवा करती आ रही हैं, बताते हैं कि कनॉट प्लेस के इस हनुमान में मंदिर में आते आने वाले भक्त बजरंग बली के हमेशा कृपा बरसती रहती है। और यहाँ पर हनुमान जी को लड्डू जरूर चढ़ाएं, अगर आते हैं तो लड्डू जरूर चढ़ाएं, वे विशेष मुदित होते हैं उनसे। और ये देखिए अंदर की खूबसूरती, इतना ज़बरदस्त क्राउड था तो बहुत मुश्किल हो रहा था मुझसे वीडियो बनाना। आप देख ही सकते हैं क्राउड कैसे, किस हिसाब से यहाँ पे क्राउड है, हर वक्त एक क्राउड रहता है। ये तो मैं उस टाइम आफ्टरनून में गया था, दोपहर में। कहते हैं कि अगर आप शाम को आएंगे तो यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त लाइन लगती है और बहुत टाइम लगता है दर्शन कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से अंदर का, ये देखिए कितनी भीड़ है। यहीं पे साइड में लोग आराम से बैठ के यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, तो मैं आपको दिखाऊंगा उस शॉट का क्लिप। ये देखिए, तो कहा जाता है कि जब मुगल बादशाह को जब कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ था, तो अकबर इसी मंदिर में आने आए थे, बड़ी श्रद्धा के साथ मन्नत मांगी थी और उनका पुत्र प्राप्त हुआ था सलीम, आपको पता ही है। और ये देखिए बहुत ही भीड़ रहती है इस हनुमान टेम्पल में, क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत माना गया टेम्पल है कनॉट प्लेस का। बहुत अच्छा खासा क्राउड रहता है। ये देखिए यहाँ पे आराम से बैठ के आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। देखिए कितने लोग यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, खड़े हो गए, क्योंकि जगह की दिक्कत है, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर। और मंदिर के विमान पर आज भी ओम अथवा चांद चिन्ह उपस्थित है, जरूर देखिएगा। और इस मंदिर के 1 अगस्त 1964 से आज तक श्री राम का भजन चलता आ रहा है। मुख्य द्वार संपूर्ण सूर्यकांड की चौपाई खुदी हुई है, जब आप एंटर करेंगे तो गेट पे देखना। यही वो पवित्र स्थान है जहां उन्होंने 40 चौपाई लिखने की प्रेरणा मिली। ये खड़क सिंह मार्ग पर उपस्थित है। सो गाइस, ये मेरा एक छोटा सा वीडियो है जो मैंने आपको हनुमान टेम्पल दिखाने की कोशिश करी है। बहुत ज़्यादा बड़े वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ। सो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करते हुए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये टेम्पल कैसा लगा। सो मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, नई जर्नी के साथ। दैट्स द एंड ऑफ माई वीडियो, गुड बाय।